हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो सिंपलीफिकेशन चल रहा है। आज हम लोग सिंपलीफिकेशन में सीखेंगे वर्गमूल। क्या सीखेंगे? वर्गमूल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से एकदम ट्रिक के साथ। वर्गमूल की ट्रिक समझ लीजिए, ऐसी ट्रिक आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, इस तरीके की ट्रिक बताएंगे। देखिए, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के सबसे पहले आप लोगों को नियम आने चाहिए। नियम आने चाहिए क्या? पहला नियम क्या है? अंत में दो तीन और उसके बाद चार सात ना आए। क्या नियम है? पहला दो तीन सात आठ ना आए। आठ ना आए, यदि दो तीन सात आठ आता है तो वह संख्या वर्ग नहीं होगी, वर्गमूल उसका वर्गमूल नहीं होगा। अंत में आना क्या चाहिए? अंत में आना चाहिए जीरो हो, एक हो, उसके बाद चार हो, पाँच हो, छः हो और उसके बाद नौ। ये संख्याएं अंत में होनी चाहिए, उसका तो हम वर्ग मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? यदि इकाई अंत में पाँच है तो दहाई के अंक में दो होना अनिवार्य है। यदि अंत में पाँच हो तो दहाई के अंक दहाई के स्थान पर दो होना अनिवार्य है। कहने का मतलब, यदि अंत में पाँच है तो इससे पहले दो होना अनिवार्य है, दो होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि अंत में छः आए तब वह संख्या, तब दहाई का अंक एक विषम संख्या होगी। अगला नियम क्या है? यदि अंत में छः आए तो दहाई के स्थान पर तीन होना अनिवार्य है। कहने का मतलब, यदि अंत में छः है तो इससे पहले तीन जरूर होगा, तभी वह संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तीन नियम हो गए। उसके बाद आता है चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? यदि एक संख्या सम है, यदि संख्या सम है तो वह चार से अवश्य कटेगी। ठीक है, यदि संख्या सम है तो चार से अवश्य कटेगी। अंत में यदि शून्य आए संख्या सदैव सम होगी, ये तो पता ही है। अंत में यदि शून्य आता है तो संख्या सदैव सम होगी। यदि संख्या एक दशमलव संख्या है तब दशमलव के स्थान, दशमलव के अंक सदैव सम स्थान पर होंगे। पांचवा नियम क्या है? यदि संख्या में दशमलव है तो दशमलव हमेशा सम स्थान पर होगा। ठीक है, ये नियम सीख लीजिए और इस तरीके से हम इसके वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। अब देखिए इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ और सीख लेनी है, वो क्या है? वो चीज़ ये है कि यदि संख्या के इकाई का अंक देखिए क्या होना चाहिए। यदि जीरो है, एक है, कितना एक है, चार है, पाँच है, छः है, नौ है। देखिए इकाई के अंक में अगर ये आ जाएंगे तो वह संख्या, उसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता।
यदि इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो इनका देखिए किस तरीके से निकलेगा। यदि अंत में 0 है तो उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में भी यहाँ पे लिख देंगे संख्या के इकाई अंक, और इधर क्या लिख देंगे वर्गमूल, क्या लिख देंगे वर्गमूल का अंक, वर्गमूल का, वर्गमूल की संख्या की इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक। यदि अंत में 0 है संख्या के में तो उसका वर्गमूल जो है, अंत में 0 है तो उसका वर्गमूल भी इकाई का अंक 0 है। यदि 1 है, कितना है 1, तो 1 आएगा 9 भी आ सकता है, ठीक है। यदि 4 है तो 4 वाले में क्या कंडीशन होगी, 4 है अंत में तो 6 आएगा, कितना आएगा 4 है तो 6 आएगा, संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल में क्या आएगा, वर्गमूल में 8 आएगा 2 आएगा, 8 आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यदि 5 है तो हमेशा 5 आएगा, और यदि 6 है तो कितना आएगा 4 आएगा और 6 आएगा, और यदि 9 है तो कितना आएगा 3 आएगा 7 आएगा। यदि संख्या के इकाई अंक के ये हैं तो वर्गमूल का इकाई अंक जो है ये आएंगे, ठीक है। अब जैसे एक बात ध्यान रखना, जैसे सवाल दे दिया जाए 31, 36, इसका वर्गमूल पूछ दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को उधर कर देंगे वर्गमूल, दो संख्याओं को उधर कर दिया, दो संख्याओं को इधर कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इसमें अंक इकाई का अंक कितना है 6, हम देखते हैं 6 किस में है, 6 किस में आता है 4 में और 6 में, 6 जो है 4 चौके 16 होता है, 6 चरंग 36 होता है, 4 और 6 के में 6 आता है, तो देखिए या तो 4 होगा या 6 होगा, लेकिन ये कब होगा सबसे पहले ये भी देख लेना है, ये किस में होता है 5, 25 छचरंग 36, जितने का पढ़ा पढ़िए उतने ही बार पढ़िए, 5, 25 छचरंग 36 ज़्यादा हो जाता है तो 5, 25 ये 5 का हो गया, कितने का हो गया 5 का। और इसके लिए क्या करेंगे, यदि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बड़ा है संख्या से, यदि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बड़ा है संख्या से, यदि ये बड़ा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, अब यदि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स छोटा है एन से, संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर देखिए 5 हमने लिया है, 5, 25 एक्स स्क्वेयर की जगह पर 5, 25 हो गया, प्लस 5 और जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 देखते हैं 30 क्या इससे 31 से बड़ा होता है कि छोटा, 30 जो है इससे छोटा होता है, होता है कि नहीं होता है, ये वाली कंडीशन। और छोटे की कंडीशन में हम कौन सा लेंगे, बड़ी वाली संख्या 6, ये 56 का वर्गमूल होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो और देखिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद 2304 ऐसे कर दिया, ठीक है। ये देखते हैं किसके वर्ग में आता है, 4 चौके 16, 5, 25 25 ज़्यादा हो गए, 4 चौके 16 तो 4, 4 देखिए 4 चौके 16 तो एक्स स्क्वेयर हमने क्या बताया था कंडीशन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये वाले देखते हैं तो 4 चौके 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 देखते हैं इसे छोटा कि बड़ा है, छोटा है, छोटे की कंडीशन में संख्या कौन सी लेगी, बड़ी वाली। लेकिन अब हमें ये देखना है 4 किसके अंत में आता है, 4 किसके अंत में आता है, 4 जो है 6 के अंत में आता है, 4 किसके अंत में आता है, नहीं 4 किसके अंत में आता है 8 और 2 के कंडीशन में आता है, 4 कब आएगा, संख्या की इकाई का अंक है 4, तो 4 है संख्या की इकाई का अंक, ये किसकी कंडीशन में आता है 8 होगा अंत में वर्गमूल में या 2 होगा, 8 होगा या 2 होगा। लेकिन हमें क्या देखना है, जब ये छोटी संख्या आई है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी पड़ेगी, यदि यहाँ पे बड़ी हो जाती तो हमें छोटी वाली लेनी पड़ती, तो हमें संख्या कौन सी लेनी पड़ेगी, बड़ी वाली, तो हमें संख्या लेनी पड़ेगी 8। और ये कितना है 4 का 4 चौके 16, ये कितना हो गया 48 का। अभी नहीं समझ में आया है तो और देखिए 9604 कितना बोला, 9604
इस कंडीशन में भी क्या करना है, देखिए सबसे पहले अंत में चार है, चार इसमें इकाई के अंक में देखते ही ये है, चार के अंत में क्या आएगा, आठ या दो आएगा, आखिरी में क्या आएगा, आठ या दो आएगा। यहाँ पे छियानवे है, छियानवे किसके नौनेमा इक्यादि, नौनेमा इक्यादि, दस दामन सौ ज़्यादा हो जाते हैं, नौनेमा इक्यादि। अब इक्यादि में नौ और जोड़ेंगे कितना हो गया, नब्बे, नब्बे इससे कम है कि ज़्यादा है, कम है, नब्बे से कम है। तो कम के चक्कर में जब हमने बताया ये कम आता है, जैसे कम आया था तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, कम आता है तो बड़ी वाली संख्या कौन सा लेंगे, बड़ी वाली संख्या आठ, आठ ले लेंगे। और ये कितना था, नौनेमा इक्यादि अट्ठानवे का हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, बारह हज़ार नौ सौ छियानवे, बारह हज़ार नौ सौ छियानवे। अब देख लीजिए, और हमने लिख लिया बारह हज़ार नौ सौ छियानवे, बारह हज़ार नौ सौ छियानवे, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिख दिया, देखिए छः, छः कितने है इकाई, इसमें क्या आएगा, चार आएगा या छः आएगा, चार आएगा या छः आएगा, इन दो में से एक आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितने वर्ग में आता है, ग्यारह ग्यारह में एक सौ इक्कीस, ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस, बारह बारह में एक सौ चवालीस, तो ग्यारह ग्यारह में एक सौ इक्कीस प्लस ग्यारह और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, दो तीन एक सौ बत्तीस, एक सौ बत्तीस इससे ज़्यादा हो गया कि कम, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा की कंडीशन में कौन सी लेनी है, कम वाली। तो पहले ये कितना था, ग्यारह का था, ग्यारह चार एक सौ चौदह, किसका हो गया, एक सौ चौदह, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है अट्ठानवे जीरो एक, अट्ठानवे जीरो एक, इसमें देखिए समझिए, एक यह है इकाई, इसमें देखिए एक आएगा या नौ आएंगे, एक आएगा या नौ आएगा, ठीक है, एक आएगा या नौ आएगा। अब इसको हम देखते हैं अट्ठानवे को, अट्ठानवे कितने कटता है, अट्ठानवे देखिए अठोठ चौंसठ, नौनेमा इक्यादि, दस दामन सौ ज़्यादा हो जाता, नौनेमा इक्यादि प्लस नौ कितना हो गया, नब्बे, नब्बे इससे कम है कि ज़्यादा, कम है, तो संख्या कौन सी लेंगे, बड़े वाले, नौ नेमा इक्यादि पहले नौ फिर ये फिर नौ अट्ठानवे। बताइए कोई दिक्कत है, वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो और देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम लेते हैं तैंतालीस छप्पन, कितना लेते हैं, तैंतालीस छप्पन, इधर रेखा करिए। सबसे पहले देखिए छः, एक संख्या का कितना है, छः, छः ये है, देखिए छः कहाँ पे है, ये छः में कितना आएगा, चार या छः आएगा, छः में कितना आएगा, चार आएगा या छः आएगा, ठीक है। अब देखिए ये देखते हैं तैंतालीस छचरंग छत्तीस, सात सत्ते उनचास ज़्यादा हो जाता है, छचरंग छत्तीस छः तो आ जाएगा पहले। अब इसमें ये देखना ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, छचरंग छत्तीस, छत्तीस और छः कितने हो गए, बयालीस, यहाँ पे है कितना, तैंतालीस, संख्या कम रही तो ज़्यादा वाली संख्या ले लेंगे छः, ठीक है। कोई दिक्कत है, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लेंगे सवाल सत्रह हज़ार नौ सौ छप्पन, सत्रह हज़ार नौ सौ छप्पन, अब देखिए सत्रह हज़ार नौ सौ छप्पन ले लिया, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले दो को इधर कर दीजिए, छः लास्ट में है तो अंत में कितना आएगा, छः, देखिए चार आएगा या छः आएगा, चार आएगा या छः आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक सौ अस्सी उन्यासी है, एक सौ उन्यासी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सौ उन्यासी के लिए करेंगे बारह बारह एक सौ चवालीस होता है, सोलह सोलह तेरह तेरह में एक सौ उनहत्तर और चौदह चौदह एक सौ छियानवे ज़्यादा हो जाता है, तेरह तेरह का एक सौ उनहत्तर होता है, तो सबसे पहले तो तेरह आ जाएगा। अब हमें ये देखना ये वाली आएगी कि ये वाली आएगी, एक सौ उनहत्तर हमने लिख लिया तेरह और जोड़े तीन, एक सौ उनहत्तर लिख लिया तेरह जोड़ दिए, तो देखिए तीन नौ तीन बारह के दो आधे लगा एक छः एक सात एक आठ और एक, एक सौ बयासी हैं कितने, एक सौ उन्यासी ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए तो मैं संख्या कौन सी लेनी, कम वाली चार एक सौ चौंतीस। सभी लोगों के समझ में आ गया। और ये देखिए इसको सीखने के लिए क्या करना है, देखिए संख्या का यदि इकाई का अंक जीरो है तो वर्गमूल में भी जीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए
यदि वर्गमूल का अंक एक नौ है, यदि इकाई संख्या का इकाई का अंक एक है, एक कब आएगा, एक एक इक्कन एक आएगा, ग्यारह ग्यारह में 121 आएगा, मतलब जिसके अंत में एक होगा उसमें भी एक आएगा, जिसके अंत में नौ होगा जैसे 9 * 81 उसमें भी एक आएगा, चार संख्या का चार है तो चार किस में आता है, दो का में आता है, 2 * 4 बारह, 12 * 144 या 8 में भी आता है, 8 * 8 = 64 8 का वर्ग कर लीजिए यही आएगा, 5 किस में आता है, सिर्फ 5 * 5 = 25 6 किस में आता है, 6 देखिए 4 के वर्ग में आता है, 4 * 16 होता ही नहीं होता, 6 आएगा, और 6 के में भी आता है, 6 * 36 9 किस में आता है, 3 में भी आता है, 3 * 3 = 9 7 में भी आता है, 7 * 7 = 49 तो ये भी अच्छे तरीके से समझ लिए, इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है और इसकी प्रैक्टिस भी करिए, जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी सब आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।